हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भुवन पाल और आप देख रहे हो भुवन पाल इन्फिनिटी। आज का टॉपिक है हमारा कि एयर राइफल की जो रियर साइट होती है या फिर बोल सकते हैं ओपन साइट और या फिर इसको हम आयरन साइट भी कहते हैं, इसको एडजस्ट किस तरह से करते हैं। और आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि रियर साइट और फ्रंट साइट क्या है और रियर साइट का क्या महत्व है ज़्यादा एयर राइफल शूटिंग में। इस तरह से आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हमारी एयर राइफल में दो साइट होती हैं, एक फ्रंट साइट ये वाली और एक रियर साइट ये रही। इन दोनों साइड को जब हम मिलाते हैं तो सामने वाले टारगेट पर एमिंग करके शूट करते हैं। जो हमारी फ्रंट साइड है, आप देख रहे होंगे इस फ्रंट साइड में बीच में एक पिन सी लगी है, गोले में पिन सी लगी है। यहाँ देखिए, यहाँ एक पिन सी निकली हुई है। इस पिन को जब हम रियर साइट ये रियर साइट में जो ये बीच में एक खाली जगह है इस मिलाते हैं, इस पिन को इसके बीच में मिला के एक पैरेलल लाइन बनाते हैं इसकी, और सामने जो ऑब्जेक्ट है उसको एमिंग में करते हैं, तब हमारा निशाना लगता है। जो हमारी फ्रंट साइट है ये अनएडजस्टेबल है, इसे हम एडजस्ट नहीं कर सकते। पर जो हमारी रियर साइट है, इसे आयरन साइट भी कहा जाता है, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसे हम लेफ्ट साइड या राइट साइड या अपसाइड या डाउनसाइड मूव करके अपने निशाने को ठीक कर सकते हैं। आयरन साइट में जो हमारी रियर साइट है उसमें दो एडजस्टर लगे हैं। जो हमारा ये साइड में एडजस्टर लगा है, इससे हम अपनी रियर साइट को लेफ्ट साइड या राइट साइड में मूव कर सकते हैं। और जो ये ऊपर एडजस्टर लगा है, इसे घुमाकर हम अपने रियर साइड को अपसाइड या फिर डाउन साइड में मूव कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा टारगेट है और हमने बिल्कुल बीच में एम करके राइफल को शूट किया और हमारी जो ग्रुपिंग है वो यहाँ पर जाके हो जाती है। तब हम क्या करेंगे कि अगर हमारी ग्रुपिंग जो है, अगर हमने एम बीच में किया है और हमारी ग्रुपिंग जो है वो लेफ्ट साइड में जाके होती है पैलेट्स की, तो हमने जो हमारी एयर राइफल की रियर साइट है, पिछली साइट, उसको राइट की ओर, राइट साइड की तरफ मूव करना है। और उसी तरह से अगर हमारी जो ग्रुपिंग है और जो बीच में करेंगे और वो राइट साइड में जाके हिट ग्रुपिंग करती है यहाँ जैसे, तो हमें जो हमारी एयर राइफल की रियर साइट है, पिछली साइट, उसको लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। और अप और डाउन की कंडीशन भी यही है। अगर डाउन में ग्रुपिंग होती है तो रियर साइड को हमें ऊपर की ओर उठाना है, और अगर अप साइड जाके ग्रुपिंग होती है तो हमें रियर साइड को नीचे की तरह मूव करना है। तो सिंपल प्रिंसिपल ये है कि अगर लेफ्ट साइड में ग्रुपिंग हो रही है तो हमारी जो रियर साइट है उसको मूव
हमने राइट साइड की तरफ करना है। अगर डाउन साइड में ग्रुपिंग हो रही है तो रियर साइड को हमने ऊपर की ओर मूव करना है। अगर मान लीजिए यहां पर जाके ग्रुपिंग हो जाती है तब हम क्या करेंगे, तब हमने अपनी जो रियर साइड है उसको लेफ्ट की तरफ मूव करना है, और लेफ्ट की तरफ मूव करने के बाद राइट अपवार्ड मूव करना है। इस तरह से हम छोटे छोटे क्लिक्स करके अपनी जो एयर राइफल है उसको पूरी तरह से जीरो कर सकते हैं। सिंपल फंडा है कि जहां पे अगर लेफ्ट साइड में ग्रुपिंग होती है तो इसका ऑपोजिट हमारी रियर साइड चलेगी, रियर साइड राइट साइड की तरफ मूव करेगी, और अप डाउन की तरफ भी यही प्रिंसिपल लागू होगा। तो आज हमने एयर राइफल के रियर साइड को किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं, रियर साइड जिसे हम आयरन साइड या फिर ओपन साइड भी कहते हैं को एडजस्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हमने देखा है। हमने देखा कि जो फ्रंट साइड है उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते, और जो रियर साइड है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपवार्ड डाउनवार्ड या लेफ्ट और राइट साइड में मूव करके। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक या डिसलाइक का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरा चैनल ग्रोथ करेगा और मुझे और भी क्रिएटिव वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए।